अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ बजीज की पांच ऐसी टिप्स जो कि फॉलो करने से इंशाल्लाह आपके बजीज भी अंडे देना स्टार्ट कर देंगे, 8 या 10 दिन के अंदर अंदर ही अंडे देना स्टार्ट कर देंगे। तो गाइस वीडियो को पूरे ध्यान से देखना है, आपके काम आने वाली वीडियो है। जो जिस भाई ने बजीज का शौक रखा हुआ है और वो अंडे वगैरह नहीं देते, ब्रीड नहीं करते, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ख़ास वीडियो होने वाली है। तो चलें गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो, टाइम ज़ाया किए बगैर। एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को गाइस सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तो चलें गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस पहली टिप से पहला पॉइंट ये है कि आपने जब केज लगाना है बजीज का तो ऐसी जगह पर लगाना है कि दोबारा केज को उतारने की या हिलाने की ज़रूरत ना पड़े। ऐसी जगह पर लगाना है कि दोबारा केज उतारना ना पड़े गाइस, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है आपने। ये पहला पॉइंट बहुत मेन और ख़ास पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि ये ऐसा होता है कि बजीज को जब हम केज को उतारते हैं, जगह तब्दील करते हैं, तो बजीज जो डिस्टर्ब होते हैं तो अंडे बच्चे नहीं निकालते। तो अगर अंडे दे भी दें, निकाल भी लें, तो अंडे जो हैं वो गिरा देते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, परेशान होते हैं, तो ये गिरा देते हैं। तो ये था दोस्तों आज का हमारा पहला पॉइंट, शुरू करते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट दोस्तों ये है कि आपने केज वहाँ पर लगाना है जहाँ पर घर वालों का आना जाना बिल्कुल भी कम हो, बच्चों का पास जाना बिल्कुल भी कम हो। क्योंकि ऐसा दोस्तों अगर करते हैं, ऐसा होता है तो बजीज जो है वो डरते हैं, जब बजीज डरता है तो फिर वो ब्रीड नहीं करता, पैर नहीं बनता। आपने इस चीज़ का भी ख़ास ख्याल रखना है, मटकियों के अंदर बिल्कुल भी नहीं झांकना। कुछ जो लोग होते हैं जो अंडे देखते हैं मटकियों के अंदर झांकते हैं, तो ये करना बिल्कुल भी गलत बात होती है, ऐसा करने से भी बजीज जो है वो ब्रीड नहीं करते। तो ये था दोस्तों दूसरा पॉइंट, शुरू करते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि आपने जब मटकियाँ लगानी हैं तो ये चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि मटकियाँ बिल्कुल ही केज के ऊपर वाले हिस्से में होनी चाहिए, ऊंचाई में होनी चाहिए। क्योंकि जो बर्ड्स हैं, जो बजीज हैं, ये मटकियाँ ऊपर वाले हिस्से में घर जो है वो पसंद करती हैं। तो आपने मटकी जब लगानी हो तो ऊपर लगानी है, नीचे मटकी को नहीं रखना। तो दूसरा बात यह है गाइज़ कि जब आपने ये स्टिक सामने लगानी है, मैंने भी लगाई हुई है, आप देख सकते हैं, तो स्टिक को बिल्कुल मटकी के बराबर करके लगाना है ताकि जो फीमेल होती है वो मटकी के अंदर झांक सके और फिर वो अपना घर जो है वो बना सके, मटकी को सिलेक्ट कर सके। ये आपने ख़ास ख्याल रखना है, मटकी ऊपर वाले हिस्से में लगानी है, बिल्कुल केज के ऊपर वाले हिस्से में। क्योंकि ये बजी जो हैं, ये परिंदा जो है वो बर्ड्स ये पसंद करते हैं मटकी को ऊपर वाले हिस्से में। तो इस चीज़ का भी ख़ास ख्याल रखना है। बात करते हैं दोस्तों चौथे और चौथे पॉइंट के बारे में। तो चौथा पॉइंट हमारा ये है दोस्तों कि बजीज को खिलाना क्या है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप इनको क्या खिला सकते हैं और क्या नहीं। दोस्तों कोई कुछ लोग होते हैं कि हज़ार चीज़ें बता देते हैं कि ये खिलाओ ये खिलाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देख सकते हैं मेरे पास भी बजीज हैं, तो इंशाल्लाह से मेरे पास 4 पेयर थे, आज माशाल्लाह से 25-30 पेयर हो चुके हैं 1 साल के अंदर अंदर। तो बस इनको खिलाना यही है कि लाल कंगनी और सफ़ेद कंगनी और उसमें सूरजमुखी और थोड़ा सा बाजरा मिक्स करके इनको खिला सकते हैं, और हफ्ते में 1-2 बार इनको सब्जियां जो वो खिला सकते हैं। ये बहुत अच्छे हैं, शौक़ से खाते हैं, पालक ज़्यादा शौक से खाते हैं और गोभी शौक से खाते हैं, बंद गोभी भी शौक से खा लेते हैं। तो गाय इनको ये 3 सब्ज़ियाँ जो हैं ये हफ्ते में 1-2 दफ़ा आप इनको खिला दिया करें। मैं भी ऐसा ही करता हूँ गाय, ये जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ ये गाय मेरी आजमाई हुई है, मैं खुद कर रहा हूँ, इन चीज़ों को फॉलो कर रहा हूँ। तो आज माशाल्लाह से मेरे पास 25-30 पेयर हो चुके हैं 1 साल के अंदर अंदर। 4 पेयर थे मेरे पास, बाकी आप हिसाब लगा लें दोस्तों कि कितना ज़्यादा जो है बजीज जो है मेरे पास बढ़ चुके हैं, ज़्यादा हो चुके हैं, ब्रीड हुई होगी, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ ये मेरी आजमाई हुई चीज़ें हैं, ये कोई ऐसी वैसी नहीं चीज़ें कि मैंने कोई आपको सुनी सुनाई बात कर रहा हूँ, ये बिल्कुल 1 नंबर बात कर रहा हूँ आपसे। तो आज बात करते हैं दोस्तों आखिरी और लास्ट पॉइंट के बारे में। तो वो ये है दोस्तों कि आपने मटकियाँ कब लगानी है। तो मटकियों का कोई दोस्तों कोई तारीख नहीं होती, कुछ लोग होते हैं बताते हैं आपको दिसंबर में लगाओ, नवंबर में लगाओ, अगस्त में लगाओ, ये बिल्कुल भी गलत बात होती है। मटकी को आप जब दिल करें लगा लें, बस आप जो मैंने पहले 4 पॉइंट बताए आप इनको फॉलो कर लें, तो इंशाल्लाह आपकी जो बजीज हैं वो ब्रीड करना 8-10 दिन में शुरू कर देंगे। तो ये बिल्कुल ही गलत बात होती है जो लोग बताते हैं कि मटकियों को जी अगस्त के एंड पे लगाओ या नवंबर के एंड पे लगाओ या नवंबर के शुरू में लगाओ, अक्टूबर में लगाओ, ये बिल्कुल गलत बात होती है दोस्तों। महीने की बात नहीं होती, बस इनको ये जब खुश हो जाते हैं, इनको घर पसंद आ जाता है, केज पसंद आ जाता है, जगह पसंद आती है, तो ये ब्रीड करना शुरू कर देते हैं।
तो गाइस जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इनको लाजमी आपने करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बजिस भी ब्रीड करना शुरू कर दें तो इनको लाजमी आपने फॉलो करना है। तो इंशाल्लाह 8 या 10 दिन के अंदर अंदर ही आपके बजिस भी ब्रीड करना शुरू कर देंगे। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली वीडियो इन्फॉर्मेशन बजिस के बारे में, बर्ड्स के बारे में आपको मिलती रहें। तो गाइज़ इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।